फ्रेंड आज के स्टूडियो में एक स्पीकर है हमारे पास, आप देख सकते हो SS ब्राइट लिखा हुआ है इस पे, देख सकते हो आप इसका मॉडल नंबर, और आप देख सकते हो इसके आगे LED लगी हुई है, हमारे 5 LED देख सकते हो आप, इसमें 2 स्पीकर लगे हुए हैं। तो इस स्पीकर को मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर क्या क्या रहता है और किस प्रकार से वर्क करता है। तो अभी यह चालू कंडीशन में, तो आपको मैं चला के दिखा देता हूँ, नहीं तो आप नीचे कमेंट करोगे कि तूने चला के नहीं दिखाया भाई। तो आप देख सकते हो, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारा पूरा वर्किंग कंडीशन में, इसकी आवाज अभी कम है, तो आपने देख लिया हमारा पूरा वर्किंग कंडीशन में। आप देख सकते हो इसमें एक USB का पोर्ट दिया हुआ है, और आप देख सकते हो मेमोरी कार्ड का, और इसकी बैटरी के लिए मैंने, इसकी बैटरी के दोनों पॉइंट यहाँ से टूट चुके थे, इसलिए मैंने इसको 5 वोल्ट की जो USB हमारी केबल रहती है उसकी सहायता से अंदर इसको मैंने इसको कनेक्शन दे रखा है इनपुट के लिए। और आप देख सकते हो ऑक्स केबल भी इसकी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैंने इसको, आप देख सकते हो ऑक्स केबल को डायरेक्ट अंदर से ही कनेक्ट कर दिया मैंने। तो आपको खोल के दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से काम करता है, क्या क्या इसके अंदर निकलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो मैंने इसको बंद कर दिया है, तो ये 6 स्क्रू लगे हुए हैं, आप देख सकते हो इन 6 स्क्रू को मैं खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से क्या क्या निकलेगा और किस प्रकार का इसमें सिस्टम लगा हुआ है। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने सारे स्क्रू खोल लिए हैं, तो आप इसको खोलता हूँ, इसके अंदर क्या क्या निकलता है, इसके अंदर क्या सिस्टम लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो हमारा पूरा ओपन हो चुका है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार का इसमें पूरा सिस्टम लगा हुआ है। तो इन सारे सिस्टम को मैं बाहर निकालूंगा, तो आप देख सकते हो हमारा पूरा इसमें इस प्रकार का सिस्टम लगा हुआ है। तो इन सारों को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले ये केबल लगी हुई है, इसमें एंटीना, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे इस प्लेट को मैं सबसे पहले बाहर निकाल देता हूँ। हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार की इसके जो सारे पुश बटन लगे हुए हैं, इस पर पूरी हमारी PCB बाहर आ चुकी है, इस पर USB का पोर्ट है, SD कार्ड का, और LED इंडिकेटर लगा हुआ है। और आप देख सकते हो सारे कनेक्शन यहाँ से इसके डिस्प्ले के और लाइट वगैरह के यहाँ से पूरे इसमें जा रहे हैं हमारे कनेक्शन। आप देख सकते हो इसमें 3 वाट के 2 स्पीकर लगे हुए हैं और 40 ओम के, आप देख सकते हो इस पर पूरा क्लियर लिखा हुआ है। आप देख सकते हो सारी एक IC बाहर आ चुकी है, तो इसको एक और को मैं निकाल देता हूँ यहाँ से नीचे से। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, तो इनको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारी ये PCB और ये ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है, और आप देख सकते हो चार्जिंग इंडिकेटर और चार्जिंग का इसमें पोर्ट लगा हुआ है, और ऑक्स केबल इसमें ये वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए इसमें भी मैंने डायरेक्ट यहाँ से 3, आप देख सकते हो 4 वायर इसके कनेक्ट कर रखे हैं। तो आप देख सकते हो हमारा पूरा सिस्टम बाहर आ चुका है, इस वायर को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ये था हमारे FM का वायर, आप देख सकते हो ये हमारा पूरा खुल चुका है स्पीकर, तो इन स्पीकर को मैं बाहर निकाल देता हूँ यहाँ से, आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ। दोनों स्पीकर को यहाँ से खोल देता हूँ मैं। हाँ दोस्तों आप देख सकते हो हमारे इस पे धूल जमी हुई स्पीकर पे, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं स्पीकर हमारे दोनों। आप देख सकते हो धूल जमने के बाद भी हमारे वर्क कर रहे थे पूरे, तो ये दोनों बाहर आ चुके हैं। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले और इन लाइटों को भी निकाल देता हूँ, और आप देख सकते हो इसका रिमोट कंट्रोल सिस्टम था, यहाँ पे इसका सेंसर लगा हुआ है, आप देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, ये सेंसर यहाँ से वर्क करता है, आप देख पा रहे हैं ये सेंसर लगा हुआ है। निकाल देंगे यहाँ से, सबसे पहले इसकी डिस्प्ले को निकाल देता हूँ यहाँ से बाहर में, स्क्रू को खोल के। आप देख सकते हो इसकी डिस्प्ले बाहर आ चुकी है, इस प्रकार की इसकी LED डिस्प्ले भी देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या ऑप्शन है। एसडी कार्ड का, USB और प्ले का, और आप देख सकते हो पुश करने का बटन भी है, और FM का आप देख सकते हो ऑप्शन, और पीछे आप कनेक्शन देख सकते हो इस प्रकार से इसका, देख सकते हो अभी एक वायर टूट चुका है, तो इसको भी हमने सोल्डर करना पड़ेगा। तो हमारा पूरा अभी भी वर्किंग था, आपको देख सकते हो मैं आपको चला के दिखाया है मैंने आपको वीडियो में, तो इसको भी मैं प्लेट को बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे हमारी LED लाइट लगी हुई है, इसमें सारे आगे 5 LED लाइट लगी हुई है। हाँ दोस्तों आप देख सकते हो हमारी LED लाइट भी बाहर आ चुकी है, इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और आप देख सकते हो पीछे कुछ भी नहीं है, तो सेंसर को मैं बाहर निकाल देता हूँ इस प्रकार से। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा पूरा ये जो लगा हुआ था सामने का पार्ट अलग हो चुका है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, और आप देख सकते हो इसका पूरा सिस्टम, तो इस प्रकार का इसका पूरा सिस्टम है, ये भी देख सकते हो आप पूरा हमारा बाहर आ चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रकार का इसमें सिस्टम लगा हुआ था, तो आप देख सकते हो ये हमारा इस कंडीशन है इसकी। तो इस USB को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे वायर देख सकते हो आप लगे हुए थे, तो मैंने
देख सकते हो हमारा पूरा स्पीकर खुल चुका है, इसमें आपको सारे सामान दिख रहे हैं। बाहर आप देख सकते हो दो स्पीकर है हमारे, 3-3 वाट के, और आप एलईडी लाइट और एलईडी डिस्प्ले, और इसका ये सर्किट बोर्ड यहाँ पे चार्जिंग का, यहाँ से सारे कनेक्शन जा रहे हैं इसमें, और ये हमारा पूरा इसको कंट्रोल करने का है। आप देख सकते हो इसमें स्विच लगे हुए हैं, यूएसबी पोर्ट, और आप देख सकते हो हमारा पूरा स्पीकर खुल चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियो देखने के लिए।